दोस्तों, मेरा नाम विवेक कश्यप। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप फाइल हाइड एक्सपर्ट द्वारा हाइड किए गए फाइल को आसानी से रिकवरी कर सकते हैं। चाहे वो फाइल हाइड एक्सपर्ट को आपने गलती से ही डिलीट कर दिया हो, फिर भी लेकिन आप उसमें हाइड किए गए फाइल को आसानी से रिकवर कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों तरीका। सबसे पहले मैं आपको कुछ फाइल दिखा देता हूँ जो अभी मैंने फाइल हाइड एक्सपर्ट की सहायता से हाइड नहीं की है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा इंटरनल मेमोरी शो कर रहा है और यहाँ पर दो वीडियो शो कर रहे हैं। इसका मतलब ये मैंने अभी हाइड नहीं किया। अब मैं इसको फाइल हाइड एक्सपर्ट की सहायता से हाइड करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप एच डी कार्ड जीरो मतलब इंटरनल मेमोरी, और ये यही दो वीडियो वो है जो वहाँ पे शो कर रहे थे। मैंने इनको ट्रिक किया और यहाँ पे देन हाइड ऑल पे क्लिक कर दिया। अब ये जो दोनों वीडियो हैं ये अपने ऑटोमेटिक हाइड हो जाएंगे। मैं आपको वहाँ पे भी दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं वो दोनों फाइल यहाँ पे शो नहीं कर रहा। अब इस दोनों फाइल को हम कैसे रिकवर करें अगर हमारा फाइल हाइड एक्सपोर्ट गलती से अनइंस्टॉल हो गया। मैं इसको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देता हूँ। तो ट्रिक ये है दोस्तों कि सबसे पहले आपको फाइल मैनेजर में या फाइल एक्सप्लोरर में जाना पड़ेगा। वहाँ पे जिस फाइल को आपने हाइड किया था उसके जिस लोकेशन में, उस लोकेशन में जाना। जैसे मेरा इंटरनल मेमोरी था तो मैंने इंटरनल स्टोरेज में गया, वहाँ पे ये पेज ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे शो हिडन फाइल्स किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी शो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको एक इंटरनल मेमोरी में एक फोल्डर सर्च करना होगा जो ये है डॉट हर्मिट। इस पर आप क्लिक करें, फिर रिकवरी एरिया, फिर स्टोरेज हाइडर, फिर डॉट स्टोरेज हाइडर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों सॉन्ग यहाँ पर मौजूद है। मैं इसको क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे लॉन्ग टैप करने के बाद इसका रीनेम करूँगा। और जब रीनेम करूँगा तो ये लास्ट में जो है डॉट हाइडर इसको रिमूव करूँगा, और शुरू में जो ये डॉट है इसको रिमूव करूँगा, देन डन पे करूँगा। फिर यही काम इसमें भी मैं करूँगा दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लास्ट के डॉट हाइडर हटा दिए हैं और शुरू के भी हटा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद मैं इसको फ्रंट पे लेते आता हूँ। यहाँ से मैं कट किया और इंटरनल स्टोरेज में आया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों फाइल जो हैं वो आसानी से रिकवर हो चुकी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।